भट्ट जिया शंकर की तारीफ किए बगैर अपने आप को रोक नहीं पाई। भाई उन्होंने कुछ ऐसी चीज ही की है। कहीं ना कहीं आप लोग पूजा भट्ट को अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, पर मुझे ये बात पता है कि पूजा भट्ट की इस बात को आप जिया को लेके बहुत ज्यादा एग्री करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफी सारे लोग हैं जो कि रियल नजर आ रहे हैं, हालांकि बिग बॉस OTT सीजन 2 में कौन से लोग हैं जो कि आपको रियल पर्सनालिटी लग रहे हैं कि हाँ भाई ये रियल है, कुछ फेक नहीं कर रहे, तो बताइए जरूर। जहां पर जिया, पूजा भट्ट और अविनाश सब लोग जो है ये जिम एरिया के पास रहते हैं और वहां पर जो है जगादित को समझा रहे होते हैं, क्योंकि आकांक्षा के साथ अभिषेक ने जो मतलब कि जो सीन किया उसके बाद वो काफी ज्यादा नाराज है। तो पूजा भट्ट बोल रही होती है कि यार अभी तो काफी सारे लोगों के चेहरे से मखोटा उतना बाकी है, अभी से ही तो इतना सेंसिटिव होगा या दूसरे लोगों से इतना अफेक्ट होगा, तो जब एक्चुअली में उनका असली चेहरा सामने आएगा तब तेरा क्या होगा। ये सब चीजें कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रियल जो है वो जिया है, जहां पर जिया भी इस बात को एग्री करती है और ये बात बोलती है कि वो बात तो सही है कि अगर मुझे फेक करना होता, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला लेजी है, ये है, वो है, मैं और भी ज्यादा अपने आप को दिखाने के लिए नाचती कूदती किसी से मजाक करती है कुछ भी करती, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मुझे करना हो, बट मैं इस रियलिटी शो में आई हूँ रियल रहने के लिए आई हूँ और मैं रियल ही रहूंगी जैसी मैं हूँ। हालांकि ये बात तो है कि डे वन से मुझे जो है जिया शंकर बहुत ज्यादा रियल लग रही है, पर आपका विचार कुछ और भी हो सकता है, बताइए जरूर क्या है आपका विचार। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।